नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और प्रेगनेंसी के लिए संबंध बनाती हैं तो कितनी बार कब रिलेशन बनाना है। बहुत सारी महिलाओं की ये कमेंट हैं, साथ ही साथ रिलेशन कब बनाना ज़रूरी है और जब रिलेशन बना रही है तो किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो अब से पहले आपने नहीं जानी होगी, ना ही किसी वीडियो में देखी होगी। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का वो समय हो जाता है जब वो ये समझ ही नहीं पाती हैं कि अंडा कब उनके शरीर से खारिज हो रहा है। और दूसरी बात, जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जैसे कि कैलकुलेशन मेथड हो गया या प्रिडिक्शन ऑफ ओव्यूलेशन हो गया, तो कई बार महिलाएँ इसमें कन्फ्यूज हो जाती हैं कि उनको 14 डेज आगे से प्लस करना है, माइनस करना है, बाद में उनको क्या करना है। बहुत सारी चीजें माइंड में चलती हैं, कई बार सिम्टम्स मैच करते हैं, सिम्टम्स मैच नहीं करते हैं, तो अरे भाई, अंडा कब निकल रहा है, कब पता लगेगा महिला को कि वो अब रिलेशन बनाए, संबंध बनाए जिससे कि बच्चा रुक जाए। तो जब आप इतनी सारी बातों को सोचती हैं और अगर आपको भी आपका ओवुलेशन नहीं पता लगता है, आपको नहीं समझ में आता है कि आपको क्या करना है, आपके पीरियड्स को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे कब ओवुलेशन होता है आपके पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसे कि हर महिला का पीरियड साइकिल जो है वो अलग अलग होता है, किसी का 25 दिन का है, किसी का 30 दिन का है। अगर हम एक हेल्दी पीरियड साइकिल की जान ले बात तो वो 30 डेज़ का होता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि 30 दिन में पीरियड्स आ जाए। कई बार 2 दिन आगे पीछे भी हो जाते हैं, कई बार 5 दिन आगे पीछे हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में भी वो पीरियड्स नॉर्मल ही कहलाता है, हेल्दी पीरियड ही कहलाता है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से अपना ओव्यूलेशन नहीं जान पाती हैं तो आज के इस वीडियो में और भी एक बहुत ही अच्छा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपका अंडा कब निकल रहा है, कैसे रिलेशन बनाना है। क्योंकि बहुत सारे कपल्स का ये भी सवाल होता है कि क्या डेली रिलेशन बनाना चाहिए, क्या एक दिन में 2 बार रिलेशन बनाना चाहिए, बेस्ट पोजीशन क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके दिमाग में भी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में। तो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं ना, वो कोई आपको बताएगा नहीं। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स भी नेचुरल कंसेप्शन अगर करना है तो ये छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर अपने लाइफस्टाइल में शामिल करने के लिए संबंध के समय आपको एडवाइस करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आज मैं तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें करना कुछ भी नहीं है। महिला के जितने भी दिन की पीरियड आती है, जैसे कि पीरियड कितने दिन की आती है, वो जो साइकिल होता है, कुछ महिलाओं में 25 दिन में दोबारा पीरियड आ जाते हैं, कुछ को 30 दिन में दोबारा पीरियड आ जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपका पीरियड जो है जितने भी दिन का हो, आपने जोड़ लिया कि हाँ मेरा 25 दिन में आता है, मेरा 30 दिन में आता है, मेरा 40 दिन में आ जाता है। तो दो टाइप के, देखिए महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, दो ही टाइप के कंडीशंस भी होते हैं। एक तो होता है कि हेल्दी पीरियड साइकिल होना, समय पे पीरियड्स का आना, और दूसरा होता है कि अनहेल्दी पीरियड साइकिल का होना और इनरेगुलर पीरियड्स का आना। कई बार एक आध महीना स्किप भी हो जाता है और फिर एक एक महीना छोड़ के पीरियड आते हैं। तो अंडा तो एक बार ही निकलता है, चाहे आपका 25 दिन में पीरियड आए, चाहे 30 दिन में आए, चाहे 2 महीने में आए, अंडा एक बार ही निकलेगा। अगर पूरी साइकिल आपकी जो है पीरियड्स के आपने जान ली तो एक बार ही अंडा निकलेगा। तो कंसीव करने के लिए जितने भी दिन की पीरियड आपकी है, मान लीजिए कि 25 दिन की है, तो उसको 3 से डिवाइड करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। जिस महिला के पीरियड 27 डेज़ की है, एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि 27 डेज में फिर से पीरियड आपको आ गए, अगर उसको 3 भाग में हम डिवाइड करेंगे तो वो 9, 9 एंड 9 डेज में डिवाइड होगा। तो पहले के जो 9 दिन है वो रिलेशन आप उस समय बनाएंगे तो कंसीव आपको नहीं होगा, इतने चांसेस नहीं होंगे। आखिरी के जो 9 डेज है उनमें भी बहुत कम चांसेस हो गए कंसीव होने के, लेकिन जो बीच का 9 डेज है वही फर्टाइल पीरियड है आपका और उसी समय आपको प्रेगनेंसी रुकने के 100% चांसेस होंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या उस समय संबंध आपको डेली बनाना है, क्या संबंध आपको एक दिन छोड़ के बनाना है, या फिर संबंध बनाने का तरीका या समय क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात कि संबंध बनाना आप पे डिपेंड करता है। आप डेली कंफर्टेबल हैं डेली बनाइए, कंफर्टेबल नहीं है एक दिन छोड़ के बनाइए, इसमें और भी अच्छा सीमन आपका प्रोड्यूस होगा मेल पार्टनर का। संबंध बनाने का सही समय कुछ रिसर्चेस ये बताती हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग का होता है। संबंध बनाने का तरीका आप पे डिपेंड करता है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। लेकिन ये जो 9 डेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बीच का। वैसे ही अगर 30 दिन के पीरियड साइकिल को ले लें
तो 30 दिन को जब 3 भाग में हम बांट लेंगे तो 10-10 के भाग में वो डिवाइड होगा। पहले के 10 दिन बहुत काम के नहीं होंगे, लास्ट के 10 दिन बहुत काम के नहीं होंगे, लेकिन जो बीच का 10 दिन है वो बहुत काम का है आपके। तो इस तरह से आप अपने पीरियड साइकिल को, किस तरह से उसका बीच का दिन होता है और वो कितना महत्वपूर्ण है, वो वैल्यू आप खुद निकाल सकती हैं। अगर आप फीमेल हैं और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, आप अपने हस्बैंड को वीडियो दिखाइए, उनको समझ में आएगा, वो डिवाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि कितने दिन में आपको रिलेशन में बनाना है, आना है, मिड पार्ट ऑफ पीरियड क्या है आपका। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि संबंध तो बना रही हूँ लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो देखिए 6 महीने से लेकर साल भर तक डॉक्टर भी बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि नेचुरल ट्राई करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 6 महीने में प्रेगनेंसी नहीं रुकती है लेकिन 7वें महीने में प्रेगनेंसी रुक जाती है, ऑटोमेटिक नॉर्मल, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर हम मेडिकल गाइडलाइन की देखें तो वहाँ पे 1 साल तक के लिए सुरक्षित तरीके से आपको प्राकृतिक रूप से गर्भधारण के लिए खुद ही प्रयास करना चाहिए बिना किसी एडवांस ट्रीटमेंट के। अगर इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी 1 साल में नहीं रुकती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाओं की ट्रीटमेंट चलती रहती है, महिलाओं की जांच हो जाती है, महिलाएं दवाई खाती रहती हैं, परिणाम उनको नहीं मिलता है। क्यों फ्रेंड्स, जो पुरुष हैं उनके शरीर में स्पर्म की जो ताकत है वो इतनी नहीं है, तो स्पर्म की जांच कराना भी ज़रूरी है। तो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं तो दोनों का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को काफ़ी भ्रम है कि पीरियड्स में कॉन्टैक्ट में रहेंगे या पीरियड्स ख़त्म होते ही कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो क्या प्रेगनेंसी रुकेगी, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस समय प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, रुकने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उस समय जो लास्ट एग आपका पिछले महीने में निकला था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, वही फूट कर बाहर जा रहा है पीरियड्स के द्वारा, वो अंडा आपका जीवित नहीं है। तो उस समय आप कितना भी ट्राई कर ले प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, और उस समय ट्राई करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उस समय इन्फेक्शन हो सकता है, महिलाओं को खुजली हो सकती है, रैसेस हो सकते हैं, बाद में इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है, एडवांस इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन या ईस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन हो गया तो वो यूट्रस तक पहुंच सकता है, फिर और भी ज़्यादा नाजुक परिस्थिति हो जाएगी, कंसीवमेंट के लिए और भी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी मत करिएगा रिलेशन बनाने में, जिससे कि कंसीव होने में और भी मुश्किलें पैदा हो जाएं। आपको कंसेप्शन नहीं हो रहा है, हेल्दी कंसेप्शन के लिए जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उस तरह से आप अगर कॉन्टेक्ट में रहेंगे कंसीव होना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रकार का तनाव इस समय नहीं लेना है। बहुत सारे मैंने ओवुलेशन के प्रिडिक्शन का कैलकुलेशन मेथड या सिम्टम्स मेथड भी बताया है, क्योंकि जब महिला ओवुलेट करती है कुछ लक्षण भी होते हैं, थोड़ा सा बच्चेदानी का मुंह खुलता है और वहाँ से कुछ जो रिसाव होता है वो निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं। तो ये सारे तरीके फॉलो करते रहिए, बहुत जल्दी कंसीव हो जाएगा। सही समय पे अगर ट्राई करेंगे तो सही रिजल्ट भी मिलेगा, और मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए, पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़िए। साथ ही साथ कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, नहीं समझ में आया कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ जो आपकी प्रेगनेंसी को और आसान बनाएंगी कंसीव करने के लिए, वो इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो अगली बार फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, धन्यवाद।